हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे जुखाम और खांसी के लिए घरेलू नुस्खा। उसके लिए हमने ले लिए हैं ये लहसुन और अदरक। अब हम इन दोनों को पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अदरक और लहसुन को पीस लिया और पीसने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शहद। हमने झंडू कंपनी का लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब हम अदरक और लहसुन के पेस्ट में हनी को भी ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको लेने का तरीका बता रही हूँ। अगर ये कोई छोटे बच्चा ले रहा है तो आपको इसका सिर्फ शहद शहद चटाना है उसको। और फ्रेंड्स, अगर ये कोई बड़ा ले रहा है तो आपको आधी चम्मच चीनी ले लेना है, एंड उसके बाद आपको गर्म पानी पीना है। और इसको स्टोर करने के लिए हमने ये ग्लास का कंटेनर लिया है। आपको भी कंच का ही लेना है, प्लास्टिक के अंदर इसको स्टोर नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी को हार्ट की, बीपी की या जॉइंट की प्रॉब्लम है तो भी वो ले सकता है। अब मैं आपको इसके लेने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक चम्मच चीनी ले लेना है, एंड इसको गर्म पानी में उबाल लेना है, एंड एक नींबू भी ऐड कर देना है, एंड देन इसको सिप सिप करके पीना है। ये है इसका तरीका अगर किसी को हार्ट की, जॉइंट की या बीपी की प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को वेट लॉस भी करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आपको एक चम्मच चीनी ले लेना है, एंड उसको एक गिलास पानी में उबाल लेना है, एंड उसके अंदर या तो आप लेमन डाल सकते हो या फिर एप्पल साइड विनेगर भी डाल सकते हो। अगर आपको वो दोनों सूट नहीं करते तो आप सिंपल भी पी सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे आपका बेली फैट भी कम होगा, और आप इसे सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करिए और गर्मियों में इसे अवॉइड करिए, क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है इसलिए। तो फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही चीज़ से आपको इतने सारे फायदे हो रहे हैं, जैसे कि इससे आपका वेट लॉस होगा, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, और हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, जॉइंट की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसे घर पे ज़रूर से ट्राई करना, एंड मेरी वीडियो कर दो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।